हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कानी मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे करें और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाएं, कानी मास्टर से इफेक्ट कैसे डालें वीडियो में, बेहतरीन वीडियो कैसे बनाएं, सारा कुछ मैं आज बताने वाला हूँ कानी मास्टर की मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कानी मास्टर को अपलोड करना है प्ले स्टोर से। मेरे में अपडेट मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। फिर आना है पीछे, स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन पे आपको कानी मास्टर ऐप दिखेगा, ये रहा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। उस पर आपको दिखेगा जो हमें किस चीज़ के लिए वीडियो बनाना है, यूट्यूब के लिए बनाना है या शॉर्ट्स रील के लिए बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है या अपने फेसबुक के लिए बनाना है। तो हमें बनाना है जी सबसे पहले यूट्यूब में, यूट्यूब के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें वीडियो लाना है कानी मास्टर में, वो कैसे लाएं, कहां से लाएं? तो सबसे पहले आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद हमें वीडियो जो हमने शूट किया है वो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से। चलो वीडियो कहाँ से लें, चलो कोई सा भी वीडियो ला के दिखा देता हूँ मैं अभी फिलहाल। जैसे कि मैं एक वीडियो ले लेता हूँ ना, ये चलो ये जिम वाला वीडियो मैं ले लेता हूँ। ये एक वीडियो ले लिया मैंने, ये तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए है, लॉन्ग यूट्यूब के लिए हमें चाहिए। तो यूट्यूब साइज के लिए हमें वीडियो जो शूट किए हैं वो यहाँ से ले लेते हैं, चलो कोई सा भी वीडियो ले लेते हैं, मान लिया यही वीडियो लेते हैं। जैसे देखो ये वीडियो है एक, ये हमने यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब ये इस वीडियो में अब कुछ भी नहीं है, बस जस्ट एक वीडियो है बिना म्यूजिक वाला। अब मान लो वैसे चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, म्यूजिक लगाना है। तो सबसे पहले म्यूजिक लगाने के लिए ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो पे हमने अपने फाइल में बहुत सारे म्यूजिक डाउनलोड कर रखा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वहाँ से हम कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेंगे। जैसे कि हमने चलो कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं, नो कॉपीराइट, चलो ये म्यूजिक ले लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है बिना कॉपीराइट वाला, तो आप यूट्यूब में लिख सकते हैं नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखो अब मैं ओपन करते हैं थोड़ा, देखो यहाँ से ओपन हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक देखने में म्यूजिक के साथ वीडियो। अब मान लीजिए हमें इस वीडियो को यहाँ से आगे वाला जो है वो हमें कटिंग करना है, ये इतना मान लो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से ओपन करना है, मान लो जी यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें इस पर क्लिक करना है, ये कैची वाला देख रहे हो उस पर ओके करना है। देखो यहाँ पे आ गया, ट्रिम टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट का साइड करना है कि राइट के साथ साइड क्लिक करना है, डिलीट करना है, या बीच से हमें दोनों साइड से करना है स्प्लिट, तो वो सारा कुछ इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट वाला, तो हमें लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट वाला कर दिया, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए गलती से डिलीट हो जाता है कभी कभी, तो हमें फिर से दोबारा वो वीडियो को लाना होता है। तो देखो यहाँ पे ये अंडो सा बन रहा है, गोल गोल सा, ये इस पर क्लिक करना है, तो फिर से आ गया। अगर मान लो फिर से हमें डिलीट करना है, मान लो जो हमें चाहिए नहीं ये वीडियो, तो फिर नीचे वाले पे क्लिक कर दो, तो डिलीट हो गया फिर से। अब मान लो इसमें क्या करना है हमें, कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग या एडिटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको फोटो सामने, अब हमें लिखना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कुछ लिखना है कि पहला वीडियो है हमारा एडिटिंग का, तो हमें लिखना है इसमें कुछ, तो हमें क्या जाना है, लेयर में जाना है।
लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट यहाँ देखो, टेक्स्ट दिख रहा है वहाँ पे जाना, हमें लिखना है यहाँ पे डिजिटल या तो वीडियो एडिटिंग, कुछ भी लिखना है, वीडियो एडिटिंग लिख देते हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। देखो क्या आ गया स्क्रीन पे, अब ये स्क्रीन पे तो ले आए लेकिन वो दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से कलर चेंज, मान लो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दे, कलर चेंज हो गया। अब इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं जो अच्छा लगे देखने में। अब इसको क्या करना है, फ्रंट चेंज करना है हमें। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा फ्रंट को चेंज कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा फ्रंट का ऑप्शन है, कहाँ से लेना है, ये डबल ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना है, ओके करना है, फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे फ्रंट मिल जाएंगे, जैसे बोल्ड करना है या साइड से करना है, पतला करना है, जो भी आपको करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूँगा, ठीक है, बोल्ड कर दिए। अब ये फिर भी पता नहीं चल रहा ये है क्या नहीं है, लिखा हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए देखो, सबसे पहले आपको जाना है बैकग्राउंड कलर के लिए, सबसे पहले जो आपने टेक्स्ट लिखे उस पर क्लिक करना है, उसके बाद अपने ऑप्शन आ जाएगा, फिर नीचे जाएंगे, नीचे लिखा होगा बैकग्राउंड कलर करना, फिर ये इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, फिर कलर आ जाएगा आपको कौन सा कलर लगाना है। हमें ये कलर लग रहा है येल्लो में, थोड़ा जो है इसको जिससे उसको हम थोड़ा करेंगे तो इसको कैसे दिखेगा, उसको हम पूरा कर देंगे जिससे क्या होगा पूरा डार्कनेस दिखेगा, मज़ा आएगा देखने में। तो फिर यहाँ से हम उसको पीछे करेंगे, पीछे करेंगे अगर मान लो देखो इतना ही दिख रहा है इतना, अब हमें पूरे स्क्रीन पे दोनों सॉरी पूरे स्क्रीन पे दोनों साइड लगाना, दोनों साइड, तो यहाँ से क्या करना है फुल फुल कर देना है, फुल स्क्रीन दिखाना है। तो यहाँ देखो पूरा टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन नहीं पूरा लगाना नहीं, हमें थोड़ा मस्त वीडियो बनाना है मस्त वाली, तो हम क्या करना है उसको आधे पे ही रखना है, तो उसको हम हटा देंगे। और देखो अब ये लग गया, और जैसे मैं चालू करके दिखाता हूँ, देखो ये लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा देखने टेक्स को, उसको हम थोड़ा एनिमेशन करेंगे, मतलब एडिटिंग करेंगे थोड़ा, जो स्टाइल स्टाइल से आए, थोड़ा उड़ के आए, चाहे वैसे आए जैसे लगे हाँ भाई पूरा मस्त वाला वीडियो दिख रहा है। तो हम क्या करना है इन एनिमेशन में जाएंगे, जैसे आएगा मतलब वीडियो में वो, तो यहाँ से आपको कौन कौन सा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं लगाने का, जैसे यहाँ से देखिए लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, इंटरप्ट मतलब नीचे से आएगा, ऊपर जाएगा, डाउन होगा यहाँ से, तो हमें कौन सा लगाना है लेफ्ट वाला। देखो यहाँ से सीधा आएगा गजब, थोड़ा स्पीड यहाँ से देखो जितना स्पीड लेना है, स्लो करना है जैसे स्पीड, हमें स्लो में लाना है, स्लो में थोड़ा और कर देते हैं, हाँ इतने पे सही है। हम कितने पे रखेंगे, 1.5 पे रखेंगे, यहाँ पे ये आएगा देखिए, चलो मैं दिखाता हूँ कर्सर, मान लो सेम ऐसे ही वो ख़त्म होने के बाद वीडियो से हट जाएगा, तो हम ऑट एनिमेशन पे यहाँ देखिए क्लिक कीजिए, ऑट एनिमेशन पे हमें जाना है, और फिर से हमें ये लेफ्ट की तरफ ले जाना है, देखो फिर से यहाँ पे स्लो करना है, फिर हमें क्या रखना है 1.5 पे रखना है। अब देखिए मैं चालू करके दिखाता हूँ, वो आएगा लेफ्ट से, लेफ्ट में ही जाएगा फिर ऐसे। अब मान लो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे कोई हमें पिक्चर लगाना है, मान लो यहाँ पे कोई कुछ भी लगाना है, मैं मुझे एक पिक्चर लगाना है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर लगाना है, फिर कहाँ जाना है लेयर में जाना है, लेयर में ये मीडिया वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाना है, और फिर हमें आगे अपने फाइल में, अब यहाँ से हमें कोई सा भी पिक्चर लेना है, मान लीजिए डाउनलोड में गए, यहाँ से जाने के बाद हमें कोई सा भी, हमें मान लीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब या कोई सा भी अलग से कुछ लगाना है हमें, ये यहाँ पे नहीं है, मीडिया में जाने के बाद मीडिया में गए, फिर यहाँ से हम कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे,
हाँ जैसे देखिए ये मैं सब्सक्राइब वाला डाउनलोड करके रख रहा हूँ, ये यहाँ पे हमें लगाना है। अब ये बीच में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको उठा के थोड़ा हम नीचे लाएंगे, यहाँ इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए प्रोफेशनल वीडियो की तरह। अब यहाँ से हम लगा दिए इसको, देखिए ये वीडियो लगा दिए, फोटो लगा दिए अलग से, अब ये ऐसे दिख रहा है, ये सीधा आ रहा है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टाइल बनाएंगे, मतलब एनिमेशन लगाएंगे। अब ये ऐसे आएगा कहाँ से, ये पॉप करके आएगा, देखो ये ऐसे आ रहा है। अब फिर ऐसे ही हम उसे ऑटो एनिमेशन लगा देंगे, जैसे आया है वैसे ही फिर वो चला जाएगा, ये नीचे की तरफ करेंगे, है ना। अब ये लगा दिए, देखो आपको दिखाता हूँ कोई हमें ऐसा वीडियो लगाना होता है जिसमें हमें ग्रीन स्क्रीन होता है। अब उसको हमें हटाना है यहाँ से, मतलब ग्रीन को हटाना है और इस वीडियो पे हमें लगाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक ग्रीन वीडियो लेकर, देखिए यहाँ से हम ले लिए। अब जैसे मान लीजिए हमें बटन है सब्सक्राइब, जैसे लाइक सब्सक्राइब करने वाला बटन है, वो वीडियो हमने छोटा सा एक डाउनलोड किया है। अब उसको हमें ग्रीन स्क्रीन हटाना है, तो हमें क्या करना है, पहले जो वीडियो हमने लिया है फाइल मीडिया से उस पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें नीचे की ओर जाना है, ये देखो लिखा हुआ क्रोमा, उस पर हमें क्लिक करना है। अब क्रोमा का जो इनेबल करना है, हमें इनेबल करेंगे अपने आप हट जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, अपने आप हट जाएगा। फिर से यहाँ पर हम उसको कहीं अच्छे जगह पर लगा देंगे जहाँ से अच्छा लगे देखने में, यहाँ से लगा दिए। अब आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं दिखेगा, अब हम वीडियो चालू करके दिखाते हैं। ये देखो वीडियो चालू करके दिखाते हैं एक ग्रीन स्क्रीन वाला कैसे दिखेगा। स्क्रीन आप ऐसे हटा सकते हैं, इसमें अभी बहुत सारे, मान लीजिए स्टिकर लगाना है, इसमें हमें स्टिकर लगाना है, इफेक्ट डालना है कोई सा भी, मान लो आपने बहुत सारे एक अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है जो नीचे से वाइट वाइट सा दिखता है, वाइट वाइट सा स्टेटस जो बनाता है, रील्स जो बनाते हैं। देखो यहाँ से क्या करना है, फिर से हमें दिखा देते हैं, लेयर पर जाना है, क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, लाइनर मास्क पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है, उसको हमें क्या करना है, उठा के पूरे वीडियो में लगाना है। अब उसको हमें छोटा कर लेना है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, उसको हम छोटा कर लेंगे। अब इसको हम नीचे तक लगा देंगे, मान लो हमें नीचे से इफेक्ट डालना है इस पर, उस पर हम क्लिक करेंगे, देखो सारा सेटिंग आ गया, उसका सेटिंग में जाएंगे, देखो यहाँ से हम करेंगे फेद, मतलब इसको पतला करेंगे, ये बहुत सारा गाढ़ा है तो इसको हम पतला कर देंगे। अब इसको हम कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे यहाँ से, तो हमें लगाना है वाइट, वाइट देखो ये धुंधला धुंधला सा लग रहा है, थोड़ा गजब सा लग रहा है। अब इसको मान लो पूरे वीडियो में हमें लगाना है, तो यहाँ से खींच के ले जाएंगे पूरे लास्ट तक। अब ये लग गया, अब देखो चला के दिखाते हैं, ये थोड़ा गजब लग रहा है, ये भी एक इफेक्ट है अपने आप में जो आपको वीडियो को अच्छा बना सकता है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लो कोई स्टिकर लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो यहाँ पे जाना है दिल वाला ऑप्शन पे, यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं कोई सा भी स्टिकर, मान लो आपने कोई खाने पीने का वीडियो बना दिया, बर्गर लेना है यहाँ से, यहाँ पर बर्गर लगा दी, सॉरी यहाँ से लेना है, इसको सिलेक्ट करना है, अब मैं इसको यहाँ लगा देते हैं, स्टिकर लगा दें, तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सारा कुछ आप एक मोबाइल के ज़रिए आप कर सकते हैं, नहीं इसके लिए लैपटॉप चाहिए, बस एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल में आप अपना वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, कोई सा भी वीडियो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अब उसमें भी एक प्रोफेशनल वीडियो की तरह अच्छा वीडियो आपको इसमें बन सकता है। जैसे आप मान लो जिसमें कोई ड्राइंग करना है, ड्राइंग वाले पे जाएंगे,
कुछ भी यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर ले, जो आपको पेंसिल चाहिए वो सेलेक्ट कर ले। मान लो जी यहाँ पे हमें दिखाना ये एक बर्नर है, इस पर हम क्लिक कर दें, ये इसमें कुछ दिखाना है स्क्रीन पे, तो ऐसे तो इसमें सारा कुछ आपको दिख जाएगा। अब मान लो इसको डिलीट करना है, हटाना है, हटा दें। तो आपको एक मोबाइल के ज़रिए आप इतना कुछ काम कर सकते हैं। बस एक मोबाइल में करना क्या है, कहानी मास्टर डाउनलोड करना है, उसके थ्रू आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। बहुत आसान है इसमें वीडियो एडिटिंग करना, हर कुछ मोबाइल के थ्रू आप इस वीडियो में कर सकते हैं। कुछ भी लगाना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो, या तो फिर स्टिकर लगाना हो, अलग से कोई फोटो लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, ए टू जेड इसमें आपको काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सारा लाइन बाय लाइन वीडियो देखिएगा, पूरे समझ में आ जाएगा। आप भी एक एडिटर बन सकते हैं, अच्छा से अच्छा एडिटर इस मोबाइल के ज़रिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है, देखिए पूरा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल।